जी दोस्तों के पीछे से निकली फैसल मस्जिद माशाल्लाह। 40 रुपए ये पार्किंग के। एक दे दें यार, गर्मी है। अच्छा भाई चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल ज़ियाउल हक़ का मज़ार। मैं खुद पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी पिक्चर खींच दूँ आपके मोबाइल से। लाएँ 72 नंबर है भाई हमारा। ऊपर है जी। और 17 इधर है जी। चलते हैं, ये ऊपर चलते हैं यहाँ से। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं। सो आपका भाई आपको लेके चल रहा है फैसल मस्जिद। ओ सामने फैसल मस्जिद के आपको मीनार नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि बीच में दरख्त आते हैं। रास्तों के पीछे से निकली फैसल मस्जिद माशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया भाई। और आज संडे की वजह से कितना रश है ना, ठीक है ज़रा। संडे की वजह से बहुत रश है भाई, मज़ा आएगा। आज लोग ज़्यादा है ना, एक रौनक होती है। ये पार्किंग के, ये 40 पार्किंग के है ना? जी जी सर। हेलो भाई, थैंक यू। पार्किंग है आगे ना? जी जी सर है। ये देखो मेरी राइड पे आपकी फैसल मस्जिद आ चुकी है जनाब। हट जाओ सामने से, हट जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो नज़र आ रही है। काश अभी मेरा ड्रोन भी होता है इस वक्त। बहुत कहाँ पे हम लोग पार्किंग करें और हम लोग फिर घूमें जाके अंदर। ठीक है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मुझे मेरा बैग अंदर लेके जाने देंगे कि नहीं। पता चले कि अंदर बैग ही ना लेके जाने दें फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। यार अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यार अंदर बैग लेके जाने मसला तो नहीं है? अंदर लेके जा सकते हैं ना? एक दे दें यार, गर्मी है। बात है कि जब आप किसी चीज़ को जब फुर्सत से सुकून से देखते हो ना, तो उसका मज़ा डिफरेंट होता है। अगर आप जल्दी जल्दी में आओ तो उसका मज़ा, हम इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले हैं लेकिन उतनी फुर्सत से हम नहीं देख सकते। और जब मैं यहाँ पे फैमिलीज़ को देखता हूँ ना, जो दूर दूर से आई हुई हैं, पता नहीं आपका फेस मेरा काला ना आ रहा हो, बट जो फैमिलीज़ दूर दूर से आई हुई हैं, सो उनको जो एक्साइटमेंट उनके फेस पर मैं देख रहा हूँ, वो प्रॉपर पिकनिक के तौर पर आए हुए हैं, खाने पीने का सामान साथ लेके आए हुए हैं, कैमराज लाए हुए हैं, तो फिर लोकल्स का तो बनता है ना यार, लोकल्स का तो बनता है। हाँ अंदर चलते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी सर। यार पापड़ के कैसे हैं? 30 रुपए का। ऐसे थैंक यू। पानी ये बोतल ये ठंडा ठहरा रहे। अच्छा भाई चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल ज़ियाउल हक़ का मज़ार। मैं खुद पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब के पीछे मेरे फैसल मस्जिद है आप लोग देख सकते हैं, और उसी के जो सामने पार्क है वहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक़ का मज़ार है। तो अब इतनी दफ़ा आया हूँ, कभी इधर नहीं आया इस तरफ। ये
ये है भाई माशाल्लाह। वापसी पे इंशाल्लाह जो है ना दुआ करेंगे यहाँ पे आके। ये जनरल ज़ियाउल्लाह का मज़ा है। लाएं मैं आपकी पिक्चर खींच दूँ आपके मोबाइल से, लाएँ कि आप मुश्किलों से अपनी सेल्फी ले रहे हैं। मैंने कहा मैं आप अब आपने अपना चेस्ट ना इस तरफ करा, इस तरफ ये रेडी अब स्ट्रेट कर लें, ठीक है? अच्छी आगे देख लें दादा। शुक्रिया। मैं तो आगे पापड़ इस तरह खा रहा हूँ। तो उधर वो चले ऊपर जाओ। पापड़ मैं जरा खा रहा हूँ जैसे उधर नहीं। हमारा पापड़ हमारा नीचे गिर गया, लेकिन हम पापड़ को नहीं जाने देंगे भाई। फूक मार के फिर खा लेंगे। दे पानी बोतल आजू भैया, ठंडी या बोतल पानी है। अजय साहब ठंडा पानी है बोतल ही। अरे पापड़ यार बर्थडे जो यार। ग्लासेस भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं लोग, ये देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है वो ये है अभी तक कि अक्सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जो है ना कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर बैग नहीं लेकर जा सकते जिसमें आपने कैमरा रखा हुआ है। इस तरह के बड़े रौले होते हैं, तो मतलब फिर टूरिस्ट कैसे आके इजीली बनाएगा। तो अब ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि यहाँ पे उन्होंने मैंने मल्टीपल जगहों से पूछा है, वो कहते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है, सुकून से आप अंदर लेके जाओ बैग, कोई मसला नहीं। तो अब इक्विपमेंट बंदे ने पकड़ा होता है, तो फॉरनर्स आते हैं आके वीडियोज़ बनाते हैं, तो अगर आप उनको इस तरह रिस्ट्रिक्ट करोगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप जिसने भी ये इम्प्लीमेंट किया। आई डोंट नो गवर्नमेंट में कौन होता है जो इम्प्लीमेंट करता है ये चीज़ें। अच्छा भाई यहाँ पे आके स्लीपर उतारते हैं और शूज़ का टोकन मिलता है आपको। चलो जी ये ले भाई, जजाक अल्लाह। 72 नंबर है भाई हमारा, ये हमने शूज़ दे दिए हैं इनको। अरे ये एक एंट्रेंस है, प्रॉपर एंट्रेंस है फैजल मस्जिद की। हम यहाँ से अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ द ओनली पाथ यू कैन एंटर फ्रॉम, और यहाँ पे सारी स्लीपर और शूज़ रखते हैं यहाँ पर। आपको टोकन मिलता है। इन्होंने ये दो पाथ बनाए हैं, जो काला वाला है ये बहुत ही गर्म है भाई, बहुत। दूसरा मार्बल जो है ये वाइट वाला है, जो कि इन्होंने पाथ बनाया हुआ है। इस पर आप आराम से खड़े हो सकते हो। मेरे तो पाँव दो मिनट में सही जल गए हैं, गर्म हो गए हैं अच्छी तरह। और ये सारी मेरे ख्याल नीचे वज़ू वाली जगह है, अब जाके हम एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से फिर आप मतलब वहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, ये फिर प्रॉपर सीढ़ियों पर जा रही हैं पूरा, फिर जिस पे फ्लोर है जिस पे नमाज़ पढ़ते हैं। नॉर्मली तो इसके अंदर पानी शानी भी होता है और फवारे भी होते हैं, फाउंटेन होते हैं, बट अभी नहीं है, पानी नहीं है। से बैठ रहा हूँ, 4 बजे 5 बजे बल्कि असर की नमाज़ होनी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की। मैं प्रॉपर इसको एक्सप्लोर करूँगा आपके साथ। 4 बजे 4:45 अजान हो जाएगी, तो आधा घंटे में भी हम लोग सुकून से घूमते हैं, देखते हैं आगे पीछे। अगर आप देखें यहाँ से मेन जगह, यहाँ से ऊपर आते हैं, ये एंट्री पॉइंट है फैसल मस्जिद। अब जब आए तो आपके सामने जो डायरेक्टली व्यू आता है वो फिर ये आता है जी, ये मस्जिद और ये पूरा सहन। ये प्रॉपर ये अंदर हॉल है जिसके अंदर जाते हैं आप नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने अपना कैमरा सेट किया हुआ है, तो ये लोग जो है अपना घूम फिर रहे हैं फैमिलीज, और फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं इस तरह। अभी इस वक्त गर्मी होती है ना, तो ये जो बाएँ वाला जो ये मार्बल है काफ़ी गर्म होता है, तो इस वजह से फिर ये अभी ज़्यादातर लोग इधर नहीं है, लेकिन वो साए में और वो जो शेड्स हैं वहाँ पर संडे की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी इस वक्त हम लोग कितनी हाइट पे हैं, लेडीज शुड बी केयरफुल अबाउट प्रॉपर इस्लामिक ड्रेस, इन्होंने चीज़ मेंशन की हुई है, ठीक है। और ये इतनी हाइट पे हम लोग इस वक्त हैं, यू कैन सी इट। वहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, वहाँ शूज़ हमने उतारे थे और गाड़ी वहाँ पर हमारी पार्क है। वहाँ से चल के ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ से अंदर एंटर हुए, फिर नीचे से होते 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 सीढ़ियों से ऊपर आए, और अब ये सारी फैसल मस्जिद है ऊपर। ओ माई मेरी क्या फिक्र, तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है, और चांद हमेशा रहता है।
कुछ बच्चे जो हैं ये साथ बैठे हैं, आए हैं इधर, पूछ रहे हैं कि आपका ये कैमरा ये क्यों पड़ा हुआ है, ये क्या कैमरा खुद ही आपने रख दिया, ये बनाता रहता है, मेरा भी एक चैनल है यार। और कहते हैं कि आप जब यहाँ पे आप क्या रोज़ आके फैसल मस्जिद में इस तरह वीडियो बनाते हैं, आप बैठ जाते हैं आके और कैमरा चढ़ करते हैं कि हसाम अहमद अवान, इनके मासूम मासूम से सवाल हैं, हम इन सब से मिलते हैं एक दफ़ा। तो अच्छा जी, सबसे पहले एक सवाल रखो जरा, काम खराब कर दिया। अच्छा भाई, सबसे पहले ये हमारा जो छोटा जवान है इसके हम पूछते हैं नाम शाम आपका, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। कहाँ से आए हो? मैं मियावाली से। आप कहाँ से आए हो? मियावाली से। मियावाली में कहाँ से? ग्रीन टाउन से। ग्रीन टाउन से, इधर सामने आओ छोटे, इस तरफ आओ। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? मियावाली से। भाई है ये भी भाई। आप जी यहाँ पे मैं दरअसल फोर्स में होता हूँ, रेंजर्स में है ना। जी जी, तो आपकी आपकी ड्यूटी है इधर? मैं घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा भाई, अब ये हम पास आ गए हैं अंदर, इसका सारा हॉल है ठीक है, और हॉल में अभी जाना नमाज के टाइम के अलावा अलाउड नहीं है। पाँच बजे होना है असर की नमाज होनी है, तो लोग जो हैं वो इस तरह झांक झांक के देख रहे होते हैं बाहर। देख रहे हैं आप जी, इस तरह लोग झांक रहे हैं ना अंदर, ये देखें ये हमारे हीरो अंदर झांक रहे हैं, और ये भी देखें अंदर इस तरह देख रहे हैं। मेरा ख्याल है 10-1 मिनट के अंदर अजान हो जाएगी, फिर मैं वेट करूंगा आप लोगों को, यहाँ की अजान सुनाऊंगा मैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और यहाँ अगर कोई रिमेनिंग जगह है वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह घर चलेंगे, कुछ रास्ते से खाएंगे और फिर इंशाल्लाह घर चलेंगे। सो आप लोग भी फैसल मस्जिद अगर आज तक नहीं आए हैं, मुझे पहली बात कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कभी लाइफ में आप लोग ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग लाइफ में फैसल मस्जिद आए। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि यार कोई पाकिस्तानी अभी तक फैसल मस्जिद नहीं आया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है लोग तो इस्लामाबाद भी नहीं आए हुए, तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की डाइवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत लोग अपने इलाकों से नहीं निकल पाते, तो मैं उनको यही मोटिवेट करूंगा आप लोग, आपको स्पेशली, कि अगर आप नहीं आए हुए तो यार ज़रूर आएँ और अपना मुल्क है, अपना मुल्क आके देखें। फैसल मस्जिद इतना एक बड़ा लैंडमार्क है पाकिस्तान का, ये आके देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदर से। मैं अनफॉर्चुनेटली अंदर से आपको हॉल जाके नहीं दिखा सका, क्योंकि हॉल के अंदर जाना, बैग लेके जाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये कि अब लोग निकलना शुरू हुए हैं, खैर अभी भी मेरा ख्याल है बाद में भी जाने नहीं देंगे ये लोग, तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बैग अंदर नहीं ले जा सकते, आप सारा कुछ आपको बाहर रखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है अगर मैं कैमरा इक्विपमेंट के साथ अपना बैग बाहर नहीं रख सकता था, तो ये वजह है। वरना अंदर अगर आपको मैं इसका आर्किटेक्चर दिखाता तो आपको पता चलेगा, अगर आपको गूगल पर जाकर रिसर्च करें आपको पता चलेगा कि फैसल मस्जिद का जो अंदर हॉल है वो विदाउट एनी सिंगल पिलर डिज़ाइन किया गया। आई डोंट नो कौन सी कंट्री के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था, बट काफ़ी ज़्यादा ये बात फैसिनेटिंग है मेरे लिए। तो आप इसका जब ये बन रहा था शुरू में, मेरा ख्याल अयूब खान के दौर में शायद बन रहा था, या जनरल जयाल हक के दौर में बन रही थी, आई डोंट नो, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट ये बहुत ही प्यारा अंदर आर्किटेक्चर है। इतना बड़ा हॉल अगर विदाउट एनी सिंगल पिलर इज़ अ ह्यूज इंजीनियरिंग फील्ड। सो बस चलते हैं आगे, और मेरा ख्याल है यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, इस्लामिक लाइब्रेरी भी है, मुझे नहीं पता वो अभी खुली है कि नहीं, मैं आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं, आई डोंट नो। चलें, सो आप लोग ज़रूर आइएगा फैसल मस्जिद, मैं चलता हूँ अब यहाँ से। ओ
बस थी डबल डेकर वाली, यहाँ खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसकी छोटी सी बना लेते हैं, अगर ड्राइवर है उनसे भी। मुझे बताएं भाई इसकी फेयर कितने और कितना एरिया इस्लामाबाद में घुमा? हमारा मेन टर्मिनल है नवाजशरीफ पार्क एंड इलामा पार्क, वो कहाँ पे है? ये मेन मरी रोड है। मरी रोड, ठीक जी, ठीक है। इलामा इकबाल पार्क से डेली इसके दो टाइमिंग होते हैं, सुबह 10 बजे एक, शाम 5 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे शाम 5 बजे और शाम 5 बजे। ठीक है, अभी हमने इलामा इकबाल से स्टार्ट लिया है। ठीक है, पार्क, शक्करपड़ियाँ, परसान मोनूमेंट, अच्छा। लोग विरसा, ये सारा तकरीबन 3.5-3.5 घंटे का टूर होता है। अच्छा, ये पूरा टूर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद वापस इनको अपने टर्मिनल। और फेयर कितना? 400 रुपये पर पर्सन। यार आप इमेजिन करो, अल्लाह का खौफ करो, 400 रुपये में आपको पूरा इस्लामाबाद घुमा रहे। ये देखें भाई बस, आप अंदर से चेक करें, माशाल्लाह A1 कमाल की बस है यार। वाह, लेवल और बहुत ही मॉडर्न बस है। कौन सी कंपनी की है? ये चाइना से आई है। चाइना से आई है, अच्छा। और ये इसमें एक फ्लोर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अंदाजन 15 सीटें? 17 सीटें। 49 ऊपर है। ठीक है, 49 ऊपर है जी जी। और 17 इधर है जी। ये अच्छा, इधर से रास्ता जाता है? अच्छा अच्छा, मैं अच्छा मैंने कहा शायद बाहर से जाता है। अच्छा भाई, ये देख लिया आप सब ने? और उसके बाद ये LCDs भी हैं जी जी। अच्छा, ये चलिए आए, अब ऊपर जाके देखते हैं यार, चाह रहा है आज ही बैठ जाओ उनके साथ ही, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आएंगे। ठीक है, आए देखिए, यहाँ से चलते हैं भाई। ये देखें कैसे करते हैं, ये ऊपर चलते हैं यहाँ से। ये ओ, वैसे असली मज़ा ऊपर से ही है ना सारा, तो ये देखें ज़रा क्या कमाल ऊपर से। अच्छा, ऊपर 49 सीट्स हैं? 49 ऊपर। ओहो हो, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये फिर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो जल्दी आ गया वो आगे बैठ गया? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये ऑलरेडी पहले बुकिंग होती है, कॉल कर दिया। अच्छा, बुकिंग होती है जी, बुकिंग होती है फिर उसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं यार, मतलब आप इंशाल्लाह सीन ऑन है, अब कोई भी हमारे पास इस्लामाबाद घूमने आएगा ना हमारे फैमिली में से, तो उनको हम कहेंगे भाई एक दिन रखो, आपको हम डबल डेकर बस से पूरी साइट सीन कराएंगे, और पूरी बस, अब मैं तो कहता हूँ खानदान जमाओ, पूरी बस अपनी जो है ना करा के पूरा इस्लामाबाद घूमना यार, मज़ा आता है।